हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम को जिसका नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद और जिसके पोएट हैं सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, यूं तो पोएम का कोई क्लास नहीं होता, ये किसी भी क्लास किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बट आज मैं इसे विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुलमोहर रीडर पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनमें से उस बुक से कुछ पिक्स मैं यहाँ दे दूंगा, उसमें अच्छे अच्छे पिक्स दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इस पोएम को। तो ये पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, जैसा कि आप जानते हैं, इसे सरोजनी नायडू ने लिखा है। थोड़ा सा दो लाइन में हम उनके बारे में जान ले। सरोजनी नायडू वॉज एन इंडियन पोएट एज वेल एज ए लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वो सिर्फ एक इंडियन पोएट ही नहीं थी, बल्कि वो लीडर भी रही हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, स्वतंत्रता के आंदोलन में। हर पोएम्स डील विथ फैमिलियर सीन्स एंड इवेंट्स। उनके पोएम्स जो है वो फैमिलियर सीन्स एंड इवेंट्स, जो फैमिलियर, जो हमारे मतलब कॉमन लाइफ में हमारे, जिससे हम परिचित होते हैं, फैमिलियर सीन्स और इवेंट्स से बहुत सारा इन्होंने वो पोएम्स लिखा है। आपके गुलमोहर के पार्ट 7 में भी उनका है और कई क्लासेस में उनके हैं। बट मेक अस रियलाइज, और ये इसके द्वारा ये हमें रियलाइज़ करवाती हैं, हमें मतलब जानकारी देती हैं हाउ ब्यूटीफुल एंड रिच इन कलर एंड साउंड दे आर। तो उन सीन्स को बताती हैं पोएम्स के द्वारा कि वो कितने सुंदर हैं, कितने कलरफुल हैं। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इज़ अ गुड एग्जाम्पल, और ये जो पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद है, ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करें इसको। इसके वर्ड मीनिंग्स को आप जरूर नोट करते रहें, मैं बताता जाऊंगा। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, कि ये मर्चेंट्स है ना, मर्चेंट्स मीन्स सौदागर, सेलर है ना, ये माने यू, कि ओ यू हाँ मर्चेंट, आप क्या बेचते हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, आपके जो है वेयर्स मीन्स थिंग्स सोल्ड बाय मर्चेंट्स, यानी जो वस्तुएं बेची जाती हैं मर्चेंट्स के द्वारा, कि आपके ना ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी रिचली डिस्प्लेड है, मतलब बहुत अच्छे से खूब सजाया गया, सजा बजा करके आपने दुकान रखा है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन है ना, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन, टर्बन्स मीन्स मुरेठा पाग कह लीजिए, वो राजस्थान वगैरह में खासकर जो बांधे जाते हैं, वो क्रिम्सन कलर का, गहरे लाल रंग का, एंड सिल्वर, और जो है वो सिल्वर कलर का है ना, वाइट यानी कह लीजिए चमकता हुआ वाइट है ना। मिरर्स विथ पैनल ऑफ एम्बर्स है ना, और आपने जो है वो मिरर्स भी है आपके पास, वो तो उसका पैनल मीन्स उसका साइड जो है वो एम्बर है, यानी येल्लो ब्राउन टाइप का है, यानी अच्छा लगता है। यही नहीं, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, अरे आपके पास तो डैगर्स भी है, कटार, आपने देखा होगा सरदार जी लोग वो अपने पास रखते हैं कटार, उसको डैगर कहते हैं, उसी टाइप का, नहीं तो उससे थोड़ा सा बड़ा भी कह सकते हैं आप, है ना, जिसमें हैंडल किस चीज़ के लगे हैं, जेड के, जेड मीन्स है ना ऑफ ग्रीन कलर है ना, ये सब एक पत्थर टाइप की चीज़ें हैं, चाहे एम्बर हो चाहे ये जेड हो। तो ये था इसका फर्स्ट स्ट्रांजा। सेकेंड स्ट्रांजा है व्हाट डू यू वे, अरे क्या वे कर रहे हो, मतलब वजन कर रहे हो, नाप तोल रहे हो, माप तोल रहे हो। ओ ये वेंडर्स, की ओ यू वेंडर, वेंडर मीन्स विक्रेता है ना, जो घूम घूम के हमारे यहाँ भी वेंडर्स आते हैं। सैफ्रन एंड लेंटिन एंड राइस, अच्छा जी सैफ्रन आप केसर बेच रहे हो, एंड लेंटिन, लेंटिन मीन्स होता है मसूर दाल है ना, एक काइंड ऑफ पल्स है ये मसूर, वो थोड़ा सा रेड कलर का होता है, हल्का हल्का रेड, रेड एंड येल्लो इस कह लीजिए, और राइस भी बेचते हो है ना। फिर कहता है व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मैडम्स, कि अरे युवतियाँ, ए लड़कियाँ, तुम क्या ग्राइंड कर रही हो, क्या पीस रही हो। ग्राइंडर मिक्सर ज्यूसर होता है ना, यानी कि ग्राइंड माने पीसना। अच्छा सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस, अच्छा चंदन की लकड़ी, हेना यानी मेहंदी और स्पाइस पीस रही हो, अच्छा मतलब सबसे पूछ के कि भैया क्या है, और फिर उसको जो है वो मतलब खुद देख करके उसका जवाब भी दे रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, अरे व्हाट डू यू कॉल, यहाँ कहेगा कि कॉल क्या बुलाते हो, मतलब व्हाट डू यू कॉल आउट, क्या बोल रहे हो एज पेडलर्स है ना, डू फ्रॉम द रोड साइड है ना, रोड साइड में आपको पेडलर्स जो है वो जाते रहते हैं ना, पेडलर घूम घूम करके पैदल जो बेचते हैं, तो वो चिल्लाते रहते हैं अभी ये ले लो ये ले लो, तो मतलब वही कह रहा है कि अरे क्या बोल रहे हो, क्या बेच रहे हो, अच्छा चेसमैन एंड
आइवरी डाइस। अच्छा, अब यहाँ दोनों बातें हैं, या तो खुद ही वो देख के बोलते हैं, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, या फिर वो जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ जवाब दे रहा है कि भाई यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, जब ये पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि मैं चेसमैन और आइवरी डाइस बेच रहा हूँ, है ना। तो अगला है, इस बीच में मैं थोड़ा सा आपको एक बार जो गुलमोहर रीडर पार्ट 8 में जो पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर को मैं इन द बाजार ऑफ हैदराबाद का यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बाजार है, उधर मर्चेंट्स की दुकान है जिसमें वो कपड़े वगैरह हैं वाइट कलर के और क्रिम्सन कलर के, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वेंडर यहाँ बैठ के बेच रहा है, और लोग वहाँ पर मतलब खड़े हैं, खरीद रहे हैं। फिर है थर्ड स्टांजा, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स, की अरे क्या बनाते हो आप ऐ सुनार भाई, सोने बेचने वाले हैं ना, गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार। तो अब या तो उसका जवाब है या खुद देख के कहता है कि रिसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। अच्छा भाई, रिसलेट जानते हैं ना, रिस्ट में जो पहना जाए, है ना, यानी ब्रेसलेट टू वियर ऑन द रिस्ट, ऐसा ब्रेसलेट, ऐसा हार जो हाथ पे, जिसको बल्ला वगैरह हम लोग नहीं कहते हैं, पहनते हैं हाथ में, तो रिस्ट के पास, तो रिसलेट। अच्छा, एंकलेट मीन्स पायल, पंजेब कहिए, है ना, उसकी उसको दूसरे में नुपुर भी कहते हैं, है ना। तो अच्छा जी, और क्या, रिंग, अच्छा अंगूठियाँ भी। फिर है बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजन्स, अच्छा वो नीले कबूतरों के लिए बेल्स भी है, घंटियाँ भी, यानी हो सकता है पहले ज़माने में लोग कबूतर पालते होंगे तो उसमें घंटियाँ बांध देते होंगे, जैसे गांव में जानवरों को तो हमने खूब सारे देखे हैं, बैलों को, भैंस को, गाय को, लोग घंटियाँ बांधते हैं। तो यहाँ छोटा सा, चूँकि गोल्डन स्मिथ की दुकान में तो महंगा वाला तो छोटा सा ही आएगा। फ्रेल, अच्छा ये जो घंटियाँ हैं, ये फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, है ना, ये एकदम फ्रेल है, वीक हैं, कैसे हैं, ड्रैगन फ्लाई, वैसे हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में इसको बनतित्तिर कहा जाता है, नॉर्मल हिंदी में इसे वन तितली भी कह सकते हैं, या मतलब एक प्रकार का ये पतंगा है, हाँ। तो उसका एक्चुअली क्या है कि हम लोग उसको पकड़ के ना और घुमाते हैं, मैं अभी स्क्रीन पे उसका पिक्चर दे दे रहा हूँ, आप देख लेना, उसको हाथ से पकड़ करके हम लोग अपनी घमौड़ियों को फुरवाते थे बचपन में, है ना, तो उसके पंखों की तरह, क्योंकि वो पकड़ोगे ना उसके पंख अक्सर टूट जाते हैं, तो वही ये कह रहा है कि ड्रैगन फ्लाई के विंग्स की तरह जो है वो उसके पंखों की तरह ये कमज़ोर हैं, है ना। ग्रीडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, अच्छा ग्रीडल्स भी हैं, ग्रीडल्स क्या होते हैं, बेल्ट्स और कॉर्ड्स वर्न राउंड द वेस्ट, जो कमर के चारों तरफ ना वो आप देखेंगे वो चमकता हुआ सा, वो पहनते हैं आजकल के डांसर्स भी, वो बहुत सारे पहनते हैं स्टेज शो वगैरह करते वक्त। अच्छा, ग्रीडल्स भी आपने रखा है गोल्ड का डांसर्स के लिए, अच्छा यही नहीं, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, अच्छा स्कैबर्ड्स भी है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कैबर्ड्स मीन्स म्यान होता है, म्यान मीन्स एक केस टू कवर सोर्ड्स, है ना, वो तलवारों को ढकने का या उसको रखने का जो है ना, सोर्ड्स या डैगर्स कह लीजिए उनको रखने का। अच्छा ये भी आप बेच रहे हो सोने का, जो कि आखिर किंग के लिए सोने का, तो स्कैबर्ड निश्चित रूप से वो किंग ही पहनेंगे, किंग ही यूज़ करेंगे। फिर है फोर्थ स्टांजा, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, अरे फल वाले आप क्या चिल्ला रहे हो, यानी क्या बोल रहे हो, क्या बेच रहे हो, अच्छा सिट्रॉन, सिट्रन क्या होता है, काइंड ऑफ लार्ज लेमन, उसे गागर नींबू या टाफ नींबू भी बोलते हैं, वो छठ पूजा में हमारे बिहार में ये बहुत फेमस है। इसके अलावा पोमग्रेनेट, अच्छा अनार एंड प्लम, अच्छा प्लम भी बेच रहे हो, आलू बुखारा है ना, रेड रेड कलर का होता है, आपने देखा होगा, मैं स्क्रीन पे इसको भी दे देता हूँ। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, अरे संगीत वालों, बैंड वालों, तुम क्या, आप क्या बजा रहे हो, क्या अच्छा सितार बजा रहे हो, ये CITHAR सितार इसको पढ़ेंगे, सितार नहीं, एक्चुअली साउथ इंडिया में हम लोग उधर TH जब रहे तो उसको सी, है ना, उसको त या ट ही हम पढ़ते हैं ना, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का संगीता नाम है तो संगीता TH रहेगा, ये नहीं, चलिए नॉर्मल बताता हूँ, कृष्ण मूर्ति तो TH Y रहता है, तो कृष्ण मूर्ति पढ़ेंगे, मूर्ति नहीं पढ़ेंगे। मैं खुद जिस BEd कॉलेज में बेंगलुरु से मैंने की अपनी BEd की है, तो वहाँ पर मैम का नाम था सुजाता, तो TH था, तिरुवनंतपुरम, उसमें भी देखेंगे आप TH होता है, उधर साइड का ये है। तो सितार, अच्छा सितार क्या होता है, आप जानते होंगे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नॉर्मली SITAR सितार कहिए। सारंगी, अब आप नहीं देखते होंगे, जोगी लोग होते हैं वो गेरुआ वस्त्र पहने वो बजाते रहते हैं, कुछ इसी तरह का सितार टाइप का होता है। एंड ड्रम, अच्छा ये सब बजा रहे हो। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस, अरे जादूगर लोग, तुम लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या बोल रहे हो,
स्पेल्स फॉर आयंस टू कम। अच्छा जी, स्पेल्स फॉर आयंस टू कम का मीनिंग होता है मैजिक दैट विल वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वो जादू वाले शब्द बोल रहे हो। और फिर आपका ये लास्ट जो है वो फिफ्थ स्टांजा है, व्हाट डू यू वेव ओ ये फ्लावर गर्ल्स, अरे फूल वाली लड़कियाँ यानी मालिन, तुम लोग क्या वेव कर रही हो, क्या बुन रही हो, विथ टेसल्स ऑफ अज्योर, है ना। टेसल्स ऑफ अज्योर मीन्स होता है सिल्क थ्रेड ऑफ पर्पल ब्लू कलर, है ना, जो सिल्क का थ्रेड हो और जो पर्पल ब्लू कलर का हो। अच्छा, वो मना रही हो, अच्छा जी, एंड रेड कलर का भी है, यानी कि जो आप सिल्क थ्रेड को बुन रही हो, है ना, जो पर्पल ब्लू कलर है और रेड कलर है। अच्छा, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, अच्छा ये क्राउन भी बना रहे हो यानी मुकुट भी, वो शादी में जो पहन के जाते हैं वो वाला, यहाँ वो मुकुट हुआ। अच्छा, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, है ना, और उसके बिस्तर के लिए चैपलेट्स मीन्स होता है गार्लैंड्स, है ना, गार्लैंड्स टू गार्लैंड हिज बेड, मतलब ये गार्लैंड, ये माला, फूलों की माला बना रहे उसके बेड को गार्लैंड करने के लिए यानी सजाने के लिए। यही नहीं, अच्छा जी, शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम भी कर रही हो न्यू, है ना, गार्नर्ड, न्यू गार्नर्ड मीन्स हो गया, है ना, इसी से बनता है गार्निशिंग, फ्रेश, है ना, जस्ट पिक्ड, है ना, अरे ताजे ताजे फूलों का ये ब्लॉसम तुम लेके आई हो क्यों, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, है ना, अच्छा कि वो बिस्तर, मरे मृत व्यक्ति के बिस्तर के लिए, फूल तो दोनों काम आएंगे ना, एक तरफ दूल्हे के लिए भी तो एक तरफ मृत के लिए भी, है ना। तो आई होप कि आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इसको, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है वो गुलमोहर रीडर पार्ट 8 के रेफरेंस में बनाया था। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँगा, एक बड़े खुशी की बात है कि ये लास्ट हमारा चैप्टर था, या पोएम कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उन सब के वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं सभी चैप्टर्स के, तो आप उसे देखना ना भूले। पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी ही लिंक इनका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, हैव अ नाइस डे।